कि आप में कोई फ्रस्ट्रेशन फैलाई जाए या आप अब अपने अटेम्प्ट को ओवर थिंक करना शुरू कर दें कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया मैंने सही कर दिया या गलत किया जस्ट स्टे रिलैक्सड अबाउट इट क्योंकि जो आप अटेम्प्ट करके आए बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कल से जो आपके मजीद पेपर्स रिज्यूम हो रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करें विदाउट यू नो गेटिंग फिक्स ऑन द आइडिया कि मैंने प्रेसी और ऐसे किस तरह से किया है ंग सेट दैट वील कीप दिसशन ब्रीफ और इसको जरा ब्रीफली देख लेते हैं कि आ, कैसा था इस साल का एस ए का पेपर सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू डीप अंक द आइडिया के ये जो गेस्ट पेपर वाले आइडियाज हैं इंग्लिश एस ए में कोई गेस्ट पेपर्स नहीं हुआ करते प्लीज बी वेरी मच अ शोर्ड के डो नॉट फॉल फॉर एनीथिंग लाइक दिस एस सज दी ओनली पेपर जिसके बारे में आप एक्यूरेटली टॉपिक्स को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एफ इतना फैलेबल किस्म का इदारा नहीं है इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन जो कि अपने पेपर्स को फुली वेल थाट आउट और ऑर्गेनाइज और प्लान तरीके से लेके आता है नथिंग इज टू रैंडम अबाउट इट कि आप उसको प्रोडिक्ट कर लें या गैस कर लें टॉपिक्स को एक एक करके देखना शुरू करते हैं आप सबके सामने क्वेश्चन पेपर्स तो होंगे हमारे सीपीआई के इंस्टाग्राम से भी वो पोस्टेड कर दिए गए थे हम एक एक करके टॉपिक को अगर देखते हैं एक जनरल ओवरव्यू ये है कि आई ऑलवेज टेल ऑल द स्टूडेंट्स के प्लीज कभी भी अगर आप पाकिस्तान सेंट्रिक टॉपिक को देख के इफ यू आर पाउंसिंग अपॉन इट के बहुत ही अच्छा हो गया कि पाकिस्तान सेंट्रिक टॉपिक आए तो मैं बहुत इजीली कर लूंगा डैट्स अ फैलेसी ऐसा नहीं होता है प्रब्लम विद पाकिस्तान सेंट्रिक टॉपिक्स इज के जब भी पाकिस्तान पे ऐसे आया है ना यू नो दैट टू टू थ्री थिंग्स आर ऑलवेज गंबर वन पाकिस्तान सेंट्रिक टॉपिक्स के अंदर आपके और एग्जामिनर के बीच में लाजमी लाजमी कोई ना कोई सब्जेक्टिव क्लाश ऑफ ओपिनियन आएगा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पोलिटिकल क्वेश्चन जो पाकिस्तान से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपके कोई भी टॉपिक है ना आपका एटीनथ अमेंडमेंट है आपका सी पैक है आपका सिंगल नेशनल करिकुल आपकी ट्रांसजेंडर राइट्स है वुमेन है फेमनिज्म है देर इज नो सिंगल टॉपिक दैट यू कैन स्वेयर बाय की इस पे पूरी की पूरी पाकिस्तान की कौम जो है ना वो एक पेज पे आके कह सकती है कि खुदा की कसम यही hmm. राइट ठाकस है देर इज अड ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इट डिबेट जहां पर आपके और एग्जामिनर के बीच में ना क्लैश आ सकता हो यू ऑलवेज वॉन्ट टू गो फॉर डिबेट जो कि एकेडमिकली साउंड है और हाईली क्वेश्चन बातें उनके अंदर नहीं हो रही हैं या वो किसी के इमोशंस को पैंडर ना कर रही हूँ आप जब इमोशंस में जाते हैं और लॉजिक को पीछे छोड़ देते हैं तो बीच में से सी एस एस वाली या एस ए वाली जो रिलेटेड चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं नंबर टू एक चीज लाजमी पाकिस्तान सेंट्रिक टॉपिक्स में गलती ये होती है कि हमने उसमें क्या एनालिसिस देना है अगर आप उसमें एक राइट right एनालिसिस दे रहे हैं या एक एजुकेटेड एनालिसिस दे रहे हैं इट इज़ इन एवेटेबल कि उसमें सर्टेन इंस्टिट्यूशन का नाम होगा उसमें सर्टेन खसूस जिस इदारे के लिए आप ये एग्जाम दे रहे हैं द वेरी ब्योक्रेसी डोर गोइंग फॉर आप उसके बारे में कोई ऐसे कोर्ट या रेफरेंसेस लिखेंगे विच आर नॉट वेरी सेलिब्रेटेड आप इशरत हुसैन को गवर्निंग द अनगवर्नेबल को या आप जो है वो आयशा जलाल को कोट करके यू विल फील डेट आई हैव गिवन अ वेरी साउंड एनालिसिस बट इवेंचुअली जब आपका रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि इतना अच्छा ऐसे करने के बावजूद आया फ्लंक्ट रीजन ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश ऐसे के पेपर का ये मतलब नहीं है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है या जो मेरे जहन में आता है मैं लिख दू इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन ये एक टारगेटेड एग्जाम है जो यूनि यू अंडरस्टैंड के एक नौकरी के लिए उस नौकरी के लिए ना सर्टेन प्री रिक्वज हैं और सर्टेन थॉट सर्टन हैं जो उसके लिए चाहिए जिसमें से इट इज एब्सोल्युटली एक्सक्लूडेड एंटी स्टेट बातें करें या एंटी स्टेट इंस्टीट्यूशन बात करें या स्टेट की पॉलिसी या नारेटिव के खिलाफ जाएं आप सी को डेट ट्रैप और एक न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी कहते रहें डैट इज नॉट अ वेलकम थाट हियर आप अपने प्रस्टिजियस इंस्टीट्यूशनस को या सर्टन पोलिटिशन्स के बहुत ज्यादा हक में या बहुत ज्यादा अगेंस्ट में जा रही हूँ या आप ऐसी बातें करें कि सिंगल नेशनल करिकुलम में बहुत झोल है बहुत फ्लॉज हैं उसके अंदर आपकी जो है वो आ, फंडामेंटलिस्ट चीजें हो गई हैं या साइंस को इतना ज्यादा नहीं किया गया डेट इज अगेन गोइंग रॉन्ग इन बिकॉज सिंगल नेशनल करिकुलम आपके स्टेट की एक पॉलिसी है आपको चीजों को क्रिटिसाइज करने का एक सर्टन वे होता है और एक सर्टन जार्गन एक सर्टन तरीके से करना होता है इवन देन यू कैन नॉट ट्रेड ऑन अ सर्टन टेरिटरी जो कि डेंजरस टेरिटरी है बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को करना होता है पहला टेक अवे प्लीज ये रख लें के पाकिस्तान सेंट्रिक टॉपिक्स को देख के डू नॉट एज्यूम के पेपर बहुत ही आसान आ गया या बहुत ही अच्छी चीज है। नंबर टू इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे प्रॉबेबली इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स हैं एंड देन अगेन यू कैन नॉट एज्यूम के ये बहुत अच्छी चीज होगी द रीजन बींग इसके अंदर मोर ऑफेन दे नॉट आप अगर एक रन ऑफ द मिल किस्म के अनालिस दे रहे हैं ना या वो बातें लिख रहे हैं जो एक हर अकेडमी से पढ़े हुए बच्चे ने या हर हकीकत टी वी देखने वाले इंडिविजल ने किए हैं यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ अ फेवर ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको ये ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक करना है या सी पैक आई मैक करना है या एरब इकोनोमीज करना है प्लीज रिमेंबर कि इनके लिए प्लीज ओनली डू देम इफ यू हैव सम वेरी वेरी वेल रेड एनालिसिस अबाउट देम एंड इवन देन ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स नहीं है जिनको ना आप हंड्रेड परसेंट श्योर होकर कह रहे हो कि अच्छा नाउ आई हैव डन द राइट थिंग और इसके अंदर कोई क्वेश्चन एबिलिटी बिटवीन माई ओपिनियन माई एनालिस एंड एग्जामिनर एनालिसिस डू नॉट एग्जिस्ट एग्जामिनर एक वेल रेड बनता है एट द एंड ऑफ द डे और आप उसके अंदर जो है वो हवाई बातें करके या खराब एनालिसिस दे के ना कुछ सही नहीं कर सकते हैं इफ़ आई हैव टू कम टू द टॉपिक्स वन बाय वन मैं नंबर टेन से शुरू करती हूँ दैट इज़ पॉलिटिकल पोलराइजेशन गवर्नेंस एंड सोसाइटी उसके बाद आपके पास एक टॉपिक है दैट इज नंबर थ्री द पावर ऑफ प्रोपागेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड एक चीज आपको रियलाइज रनिंग जरूरत है मैं पेपर से पहले भी सबको कहती थी कि मैं कोई गेस्ट पेपर तो नहीं दूंगी बट आई कैन टेल यू वन थिंग दो टॉपिक्स वो ऐसे देगा जो कि डाउन पेसिमिस्टिक आउटलुक वाले टॉपिक्स होंगे एंड दोज विल बी अ ट्रैप उनको करने वाले ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक नहीं देंगे अपने एस के अंदर और काफी ब्लिक किस्म के एनालिसिस देंगे एंड प्रिज्यूम के हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं वंस अगेन प्लीज रियलाइज कि ये आपकी जाती थॉट प्रोसेस का इम्तिहान नहीं है ना ही आप डॉन में कोई ओपिनियन लिख रहे हैं जिसमें यू आर वेलकम टू सेनी थिंग डैट यू वॉन्ट यू नीड टू प्रेजेंट सम प्रजेंट स्पेसिफिक थॉट्स एंड आइडियाज एंड पेसिमिज्म फॉर वन इज नॉट वेलकम पोलराइजेशन हो गई है तबाही हो गई है प्रोपरगेंडा बहुत हो गया है डू नॉट डू डैट मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में आप गलत बातें करेंगे फिर से उसके अंदर आप अपने मुल्क को ऑस्ट्रोसाइज करेंगे गलत इदारों के नाम लेंगे गलत बातें इम्प्लीकेट करेंगे ये नहीं करने हैं अच्छा टेन और थ्री तो हमने रूल आउट कर नंबर पे पे आ जाए सी कैन इंडो लिएडल ईस्ट यूरोप न्यू वॉर फ्रंट्स एंड नंबर फोर फेजिंग आउट ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड अरब इकोनॉमीज वंस अगेन मैंने ये बात भी कही थी कि कोई से दो या तीन टॉपिक्स वो ऐसे देगा बिच विल डिमांड अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज जैसे कि उसने पिछले साल दिया था ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी अब वी ऑल नो ग्लोबलाइजेशन क्या है बट ऑस्टेरिटी उससे कैसे रिलेटेड है डेट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज जो सबके पास नहीं होगा डैट इज जस्ट हैपन अगैन सी पैक इंडो मिडल ईस्ट न्यू वॉर फ्रंट्स येट अगैन आपके पास अगर इस पर बहुत अच्छे थॉरो एनालिसिस नहीं है ना द पॉइंट इज कि इससे अल्टीमेटली दो चीजों का ही मजमू है ना या तो नंबर एक आपके पास उसका स्ट्रक्चर है नंबर दो आर्गुमेंटेशन है आर्गुमेंटेशन अच्छी नहीं है तो सिर्फ इंग्लिश 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 लिखने से ऐसे नहीं होता है नंबर टू अगर आपके पास स्ट्रक्चर सही है आर्गुमेंटेशन uh, uh, सही है स्ट्रक्चर सही नहीं है तो देन अगेन इट इट ड मेक एनी सेंस बहुत सारे लोगों ने ये एस का पेपर आने के बाद वो एक कुछ रील्स वगैरह डाल दी थी कि हमने ये वाले टॉपिक्स प्रिडिक्ट किए हुए थे दिस इज द सॉल्व की नथिंग इज द सॉल्व की लाइक डाट अगर आपने रैंडम जंबल ऑफ आर्ग्यूमेंट या रैंडम सेट ऑफ आइडियाज लिख है डेट इज नॉट एन इंग्लिश ऐसे क्योंकि अगेन वो एफ के लिए आप लिख रहे हैं तो उसको एक सेट स्ट्रक्चर और प्री रेकट्स को पूरा करना है अगर वो सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट वो प्री रेक्स पूरे नहीं होते हैं येट अगेन आपने बेशक तीन हजार लफ्जों का लिखा होगा ऐसे वो पूरा नहीं होगा क्योंकि वंस अगेन वो सिर्फ क्वांटिटी के बारे में भी नहीं है ना वो कंटेंट वो क्वालिटी के बारे में भी है राइट right? So, ये टॉपिक्स दोनों आपको ऐसे लग रहे होंगे नंबर टू एंड नंबर फोर जो कि बहुत एक स्पेसिफिक या सेट ऑफ नॉलेज मांग रहे हैं एंड येट अगेन इन द केस ऑफ टॉपिक नंबर टू वो आपको के बहुत ज्यादा ब्राइटर प्रोस्पेक्ट्स की तरफ जाने नहीं दे रहा जो कि आपको इवेंचुअली जानना चाहिए ये बहुत नैरो और लिमिटेड टॉपिक्स हो गए हैं फिर इसमें आपसे गलती ये हो सकती है कि आप किसी इेलिवेंट डायरेक्शन में टॉपिक को ले जाएं जनरली सी पैक के बारे में बात करने लग जाएं या जनरली आप जो है वो अरब इकोनॉमीज या मिडल ईस्ट के बारे में बात कर जाएं जाए इज अगेन नॉट अ रिकमेंडेड थिंग टू डू नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर सिक्स है ब्रिक्स एंड पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी वंस अगेन इसको आसान ना समझें कि जी करंट अफेयर का टॉपिक आ गया है करंट अफेयर के टॉपिक में इंग्लिश एस के पेपर में और जनरल साइंस ऑफ इंग्लिश ऐसे के पेपर में बहुत फर्क होता है फर्क यह होता है कि साइंस का पेपर है ना अगर तो उसमें आप साइंस वाली बातें करेंगे कि अच्छा क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल वार्मिंग है तो उससे राइज इन सी लेवल भी हो रहा है एपिडेमिक्स फैल रही हैं उससे आपकी ग्लेशियल मेल्टिंग हो रही है एट्सेट्रा हाउ एवर एस के अंदर ना आपको सिर्फ उसमें मोनोटनस या साइंस सेंट्रिक नहीं रहना होगा उसके बारे में हर सब्जेक्ट हर डिसिप्लिन के बारे में नॉलेज होना पड़ेगा सेम गोज इन दिस आइडिया आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग द स्टूडेंट की अगर आपको एटीन अमेंडमेंट फर्स्ट करें पाकिस्तान अफेयर्स में आता है और वही सवाल आपको पोलिटिकल साइंस में आता है ना तो दोनों के जवाब में जमीन आसमान का फर्क होगा सेम आंसर रेप्लिकेट नहीं होगा क्यों क्योंकि पोलिटिकल साइंस के पेपर में ना फिर आप एटीनथ अमेंडमेंट के बारे में पोलिटिकल साइंस का जार्गन यूज करेंगे उसकी थ्यूरीज यूज करेंगे उसकी केस स्टडीज कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आर्टिकल्स रेलिवेंट अमेंडमेंट्स रेलिवेंट जो प्रोसीजरल उसकी पॉलिसी रिकमेंडेशन है उन पर बात करेंगे जबकि पाकिस्तान अफेयर्स में यू कैन बी जनरल अबाउट इट सेम इज द आइडिया ओवर हेयर आपके पास यहाँ पे ब्रिक्स एंड पाकिस्तान है ना उसके अंदर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी नंबर वन प्रॉब्लम इज यू डू नॉट वांट टू तो बी नारो नंबर टू प्रॉब्लम जो कि मुझे टॉपिक नंबर सेवन पे भी लेके आता है विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द दे डेथ ऑफ क्रिएटिविटी आई हम टोल्ड द स्टूडेंट्स के एक या दो तो टॉपिक ऐसा होगा जो कि जिसको आपको नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर दीज आर इश्यूज अंडर डेवलपमेंट जब कोई इशू स्टिल इन डेवलपमेंट है ना तो जान लीजिए कि उसके बारे में ज्यादा एस्टेब्लिश नॉलेज तो है नहीं ए आई इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसके बारे में यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ ग्राउंड फैक्ट्स एज ऑफ येट उसके बारे में कोई ज्यादा केस स्टडीज अभी रिसर्च पेपर्स आए ही नहीं है वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस अबाउट इट बिकॉज स्टोरिकल एक्सपीरियंस कैसे हो इट इज स्टिल समथिंग इन डेवेलपमेंट जो कि अभी एक्चुअली फील्ड पर डिप्लॉय नहीं हुई है ये ए आई रोग हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट को जो है रिप्लेस कर देगा ये सिर्फ कंस्परेसी थ्योरीज या स्पेक्ेशन स्पेक्शन के बेसिस पे एस एस नहीं हुआ होते इसीलिए एक और बात यह है कि जो मैंने बात आपको कही थी विद नो ऑफेंस टू एनी बडी के एक बैचलर्स या मास्टर्स इन इंग्लिश से एस ए पढ़ने में और एक पर्सन जो कि सी एस एस से रिलेटेड है या ओरिएंटेड है उससे ऐसे पढ़ने में ना बहुत फर्क होता है आपको बैचलर्स या मास्टर्स इन इंग्लिश क्या करेंगे कि वो आपको ग्रामर अच्छी सिखाएंगे पैराग्राफिंग सिखाएंगे स्ट्रक्चर सिखाएंगे वो आर्ग्यूमेंट्स पे ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं द प्रॉब्लम लाइज देयर और यहीं से सोलूशन हम यही देते थे कि आई ऑलवेज बिगिन माई असेसमेंट ऑन एन विद द देंट विद द आर्ग्यूमेंटेशन ए आई के बारे में एक buzzword बन गया था इस अटेम्प्ट से पहले कि सब बच्चे ए आई पे टॉपिक तैयार कर लें आएगा ही आएगा तो वो फिर हमने बता दिया कि जी ये गेस्ट पेपर है जो कि फैलसी है वंस अगैन ए आई के ऊपर आपके पास कोर नॉलेज ग्राउंड नॉलेज या नंबर थ्री मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज जिसे कहते हैं ना वो नहीं है अभी अब कुछ लोगों ने इवेल्युएशन के दौरान उसे मल्टीडिसिप्लिनरी खुद से बनाने के चक्कर में बहुत गलत आर्ग्यूमेंट्स लिखी हुई थी जैसे कि उसकी जेंडर से क्या को रिलेशन है जी कि पहले डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क जो है औरतों को करना पड़ता था अब ए आई कर लेगा विच इज यू नो हाउ इट साउंड डज इट साउंड लाइक अ साउंड आर्ग्यूमेंट इट डज नॉट सो ऐसे केसेस में ना फिर जब आप जबरदस्ती इन टू समथिंग टोटली इेलिवेंट

अगले टॉपिक पे चलते हैं विच इज पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी एंड ग्लोबलाइजेशन इन नेशनल इकोनॉमीज आपसे एक गलती शायद यहां पे यही हो सकती है कि ग्लोबलाइजेशन अगेन सबको पता है नेशनल इकोनॉमीज क्या होती हैं माइट बी लैकिंग इन देर क्योंकि एक इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे एस्पिरेंट्स के मोस्टली के पर जलते हैं यू कैन नेवर बी सोशोर अबाउट ए टेक्निकल सब्जेक्ट है सबको नहीं आता अनलेस के आपने अपने मेजर्स में कभी इकोनॉमिक्स को रखा हो तो देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट वेरी वेरी थोरोली एंड सेम गोस फॉर जो आपका पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी है ना अच्छा टॉपिक है बट वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको शुरू में जरा डिटेल में समझा दी है यू कैन रिवाइंड टू द स्टार्ट ऑफ द वीडियो अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो कि पाकिस्तान सेंट्रिक टॉपिक्स में क्या इशू मोस्टली अराइज होता है एंड डेट इज समथिंग जो आप रूल आउट नहीं कर पाते हैं आई है लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको खुद का ये तजर्बे में मसला रह चुका था कि उन्होंने बहुत अच्छे एसेस किए पाकिस्तान के रिगार्डिंग उसमें अगेन उन्होंने अच्छे गवर्निंग द अनगवर्नेबल के रेफरेंसेस दिए उन्होंने जो है वो आयशा जलाल के रेफरेंसेस दिए इट फेल्ड बिकॉज वंस अगेन सिर्फ स्ट्रक्चर या सिर्फ आपकी पैराग्राफ या ग्रामर से ऐसे नहीं बन रहा है इट्स ऑल अबाउट द नारेटिव इफ़ यू आर बिल्डिंग अरेटिव जो कि एक सी करने वाले या सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्टेड नहीं है तो फिर आप इस सर्विस में वेलकम नहीं है डैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट टू टॉपिक्स जिनके बारे में हमने अभी बात नहीं की है वो है नंबर वन होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स एंड नंबर फाइव प्राइवमेटिज्म पैशन इन पॉलिटिक्स फ्रॉम डे वन आई बिन टेलिंग द स्टूडेंट्स के अल्टीमेटली सारी कॉन्ट्रोवर्सी रिडन सिचुएशन के अंदर ना आपके लिए सबसे अच्छे और सबसे ईजी टॉपिक्स रह जाते हैं आपके लिटरेरी टॉपिक्स इन सब में से अगर आप देखें जिन्होंने लिट्रेरी एसेंस पढ़े हुए हैं उन्हें एक चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी कि नंबर वन टॉपिक जो है ना वो बहुत अच्छा आसान है एंड मोर देन आसान इट इज़ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इट इज ऑफरिंग अ वेरी रिच डिबेट इट इज ऑफरिंग अ वेरी वाइड होराइजन टू टॉक अबाउट इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा है सो so, जिन जिन ने भी मेरे साथ इवेल्युएशन की हैं या लिटरली ऐसे पढ़ा है उनके लिए लिटरली लाइक दिस वुड हैव बीन द हैप्पीस्ट डे उनके खुद के लिए काफी होपफुल चीज रही होगी बिकॉज आपके पास आर्गूमेंट्स मौजूद हैं आपके पास केस स्टडीज मौजूद हैं आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ें हैं आपको सोचने की जरूरत नहीं है यू हैव अ पेट सेट एंड पेट स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बन जाएगा और उसमें कोई मुश्किल या कंट्रोवर्सी नहीं होगी कि मेरा एनालिसिस इनफ है या मैंने कोई कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं कर दी या कोई एंटी स्टेट ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है सो so, आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट भी कर रहे हैं कि हमने अटेम्प्ट अटेम्प्टे और ये हमने आपसे पढ़ा तो आई आई एम एम तोन हैप्पी एंड रिलीवड कि चलो आप लोगों ने एक अच्छा वाइज डिसीजन लिया वेरी वेरी गुड फॉर यू और आखिरी टॉपिक है इसमें नंबर फाइव वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स येट अगेन अगर आपको इसके बारे में अच्छा थोड़ा नॉलेज होना इस पर बड़े मजे का डिबेट एकेडमिक एंड लर्निड डिबेट जो है ना जेनेट जेने हो सकता है जो कि आई एम श्योर के एग्जामिनर उसको पढ़ के अच्छा इंट्रीग होगा एक्साइट होगा थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल नॉलेज इसके बारे में चाहिए होगा जो बाय द वे आपको यूरोपियन हिस्ट्री या यूएस हिस्ट्री से मिल जाता है आ, या इंडो पाक हिस्ट्री से मिल जाता है इट्स में कोई आपको स्पेशली पढ़, पढ़ाई की जरूरत नहीं है और थोड़ा सा आपको आइडिया चाहिए कि अच्छा प्रागमेटिज़म क्या होता है सो इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड डिबेट जिसमें एक साइड आपकी प्रागमेटिज्म की है आपका काउंटर परस्पेक्टिव पैशन का है आपका एक बैलेंस परसपेक्टिव ने कर रहा है आपका कुछ रेकमेंडेशन देन यू कंक्लूड विद योर फाइनल सो टू आर वुड वुड बी आई से फेवरेट टॉपिक्स जो के मैं इसलिए शायद करूं अगर मैं आपकी जगह पे होती बिकॉज मुझे मैं हमेशा कहती हूँ एस के पेपर में ना टेंशन नहीं चाहिए डेट इज वन पेपर जिसका मुझे पता है कि या तो फेल है या पास है मार्क्स स्कोरिंग के लिए मेरे पास बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैंने eventually 700 plus written में cross कर ही लिया था because I know कि मैंने अच्छी पढ़ाई की हुई है मेरे optionals compulsory sorted हैं मेरे paper attempting technique sorted हैं मैंने written practice बहुत की हुई है so you know I can do it but essay में ना मुझे risk नहीं लेना है so I would go for a topic जो ना risk free हो controversy free हो and जिसमें मुझे पता है मेरा forte है examiner से related बातें होंगी और एग्जामिनर का एक जनरली बायस लिटरेरी एस के फेवर में आएगा आई विल हैप्पी आई आई कैन डू इट दैट डज नॉट मीन के बाकी टॉपिक्स करने वाले पास नहीं होंगे ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है आई एम ऑलरेडी ओनली सेइंग कि बाकी टॉपिक्स में देर आर सर्टेन पेन पॉइंट्स दैट वी नीड टू अवॉइड देर आर सर्टन थिंग्स यू नीड टू कीप इन परस्पेक्टिव और उनको जिसने अच्छी तरह टैकल कर लिया होगा डेफिनेटली पास होगा तो देर इज नो फिक्स आइडिया कि यही टॉपिक करना है तो आप पास हो गए यही काम है तो करोगे तो ऐसा होगा ऐसा कुछ नहीं है बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग क्या करना था जनरली और क्या अवॉइड करने की जरूरत है एंड वट वुड आई पर्सनली प्रफर या पर्सनली एडवाइज हैड आई बीन इन योर सिचुएशन हैविंग सेट डैट पैसी का पेपर आसान था कोई उसमें मसला नहीं था कोई मुश्किल नहीं है आई बिलीव के इट हैज बीन गुड सो फार और कल के आपके पेपर्स भी इनशाला उसके बाद यू कैन है सेशन विद मोजम एज वेल उनको भी लाइव ले आएंगे यू कैन सी कि आपके करंट पार्क अफेयर्स की क्या सिचुएशन जाती है बट इवेंचुअली इट इज फाइन इट्स नॉट डेट इट्स ईजी या बहुत आसानी से पासिंग हो जाएगी आपका मार्किंग क्राइटेरिया अभी उसी जगह पर है सो ओनली द बेस्ट मैन वु वुड विन इवेंचुअली लेकिन ऐसा है कि कुछ भी हाईली अनप्रिडिक्टेबल या बहुत ज्यादा आउट ऑफ द ब्लू वाली चीजें नहीं हो रही हैं सो यू कैन रेस्ट अशोर आई वुड से कि ऑप्शनल्स में थोड़ा सा ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव जरा एवरेज से बेहतर परफॉर्मेंस कीजिएगा क्योंकि आपका एग्रीगेट स्कोर ना इवेंचुअली वहीं से बनेगा आपके जब रिजल्ट आएंगे तो यू सी के आपके ऑप्शनल में से जिसने मार्क्स का डिफरेंस डाला है ना वो अच्छी एलोकेशन लेके चला जाएगा और मे बी ऑप्शनल्स थोड़े से यू नो ट्रिकी वे में आए कि नॉट इन द सेंस के मुश्किल या आउट ऑफ सिलेबस बट वो थोड़ा एनालिटिकली सवालों को पूछेगा राधर देन वो डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछ रहा हो कि आप प्लेटो की थ्योरी बता दें या यू you नो know, आप रियलिज्म बता दें इन अ बिट मोर एनालिटिकल मैनर सवाल होंगे जो कि अगैन द पर्सन हु हैज स्टडीड इन द राइट मैनर जिसने थोड़ा सा एनालिटिकली पढ़ा है उसको अच्छा कर लेगा सो डैट वुड बी ऑल स्टे प्रिपेयर अच्छी परफॉर्मेंस दीजिएगा और तसली रखें इनशाला बहुत अच्छा होगा आई होप के अगले पेपर्स भी आपके अच्छे होते रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए दुआई आपके साथ हैं टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व डू योर बेस्ट एंड इनशा आई वी यू आफ्टर द अटैम्प्ट अल्लाह हाफिज़